अलावर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी बैरूनी दौरे से हैदराबाद वापस, कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने एयरपोर्ट पर किया शानदार खैरमकदम। अमरीका और जनूबी कोरिया का बैरूनी दौरा कामयाब, करोड़ों रुपये बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाया गया, वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने किया दावा। कोलकाता में खातून जूनियर डॉक्टर की इस्मत रेजी कत्ल के खिलाफ तेलंगाना में भी एहतजाज जारी, उस्मानी और गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को तकालीफ का सामना। चारमीनार था चंद्रायन गुट्टा सीआरपीएफ की तिरंगा बाइक रैली, हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना मकसद। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। बालापुर पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट मर्डर केस की यकसोई कर ली, कत्ल में मुलविस मुलजमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। बालापुर पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट मर्डर के केस की यकसोई करते हुए इसमें मुलविस मुलजमीन को हिरासत में ले लिया। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने मीडिया को बताया कि बालापुर पुलिस महेश्वरम जोन आईटी सेल और एसओटी रचा कुंडा ने मुश्तरीका तौर पर इस केस की यकसुई की है। कत्ल और इसमें मुलविस मुलजमीन के बारे में कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने मीडिया को मजीद तफसीलात से आगाह किया। अंजन बाग का रोडी शीटर, ये हमारा बीरबेट में का एक घर है, इधर भी ठहर रहे। उनका नेबर हमीद, उनसे थोड़ा एनिमोसिटी डेवलप हुआ, वो नेबर्स उन्हें होते थोड़ा गड़बड़ उनका बीच में चल रहा है। उससे ज़्यादा उनका एक वाटर प्लांट रखा हमीद, अक्यूज मेन अक्यूज, वो दुबई में है, वो प्लान किया, वो किंग पिन वही है। वो इनसे ये लैंड में, जो लैंड में वो वाटर प्लांट रखा, उसका डिस्प्यूट क्या है बोलते, ये डिसीज रियाज है, रियाज बोलते हैं ये मेरा लैंड है, हमीद बोलते हैं ये मेरा लैंड है। वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उनका बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है, उसमें ये वो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट पड़ गया। इसी के लिए उनको मारने के लिए, थोड़ा टेररिज करने के लिए वो यूपी से वेपन ले आके वो वेपन से उनको अटैक करके और उनका अटैक करने के समय थोड़ा दूसरा लोगों को मदद भी ले लिया, सलीम उनका फ्रेंड्स को ब्रदर को लेके, और इसमें एट इवनिंग को रात में मर्डर किया। मर्डर करने के बाद ये पूरा लोग इधर से एस्केप हुआ, देन वी फॉलोड टेक्निकल एविडेंस से वो लोगों को पूरा पीछे करके, वो क्या मूवमेंट है उनका पता होने के बाद वो पैसे लेने के लिए एक इधर फार्म हाउस में आया, उस समय में एक्यूज को हम अरेस्ट किया। इसे एक इम्पोर्टेंट गैंग पूरा नया तरीका से एक डॉन बनने के लिए कोशिश कुछ कर रहे हैं, मैं दुबई से ऑपरेट करता हूँ बल्कि कुछ नया चीज़ करने के लिए प्लान किया, वो एंटायर ये थ्रॉटल किया वो एक्टिविटी को, पूरा गैंग को हम अरेस्ट किया और दो आदमी वो उनको वेपन दिया उनका वो उधर यूपी में है, उनको भी ले आएंगे।
وزیراعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی امریکہ اور جنوبی کوریا کا بیرونی دورہ کرنے کے بعد تلنگانہ وفد کے ہمراہ حیدرآباد واپس ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر کانگریس قائدین اور کارکنوں نے ان کا شاندار پیمانے پر خیر مقدم کیا۔ وزیراعلیٰ نے ایئرپورٹ پہنچنے والے تمام قائدین اور کارکنوں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور اظہار تشکر بھی کیا۔ ناظرین اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے 11 روزہ امریکہ اور جنوبی کوریا کا دورہ کرتے ہوئے چارشنبے کے روز صبح 11 بجے شمس آباد بین الاقوامی ایئرپورٹ پہنچے، جہاں پر ان کا اور وزیر صحت سری دھر بابو کا کابینی وزراء، اراکین اسمبلی اور پارٹی قائدین و کارکنوں نے والہانہ خیر مقدم کیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے پاس پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد اپنے ہاتھوں میں خیر مقدمی بینر تھامے ہوئے تھی، اور جیسے ہی وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے ایئرپورٹ کے باہر قدم رکھا تب پارٹی کارکنوں اور قائدین نے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ وزیر صنعت سری دھر بابو نے دورے امریکہ اور کوریا سے واپسی کے بعد شمس آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا میں تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد کی بہترین امیج ہے، اور ہمارا دورے امریکہ و کوریا کامیاب رہا یا ناکام اس پر توجہ دینے کی بجائے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کانگریس حکومت اور وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے 8 ماہ کے دور اقتدار میں 2 مرتبہ بیرونی ممالک کا دورہ کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ పరిశ్రమలకు సంబంధించి మరొకసారి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటా, ఆ రోజు వారి పరిచయం అయినంత మాత్రాన ఆ రోజు వారికి నమ్మకం లేకుండానేమో ఈరోజు మేము పరిచయం అయి మా ఆర్థిక విధానాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి, మా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఈ విధంగా ఉంటాయని నమ్మకం ఇస్తే వారి ఎంఓయూలు కానీ అగ్రిమెంట్లు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇది పరిశ్రమలకు సంబంధించి విధి విధానాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి। ఈరోజు ఎందుకు అప్పుడే ఇంకా 7 నెలలు కాకముందే అప్పుడే ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంక ఈ విధంగా ఎన్నో చూస్తే ఇంకెంత భయపడటం ఆందోళన చెందటం జరుగుతుందో కనబడతాందరీకరణ సంబంధించి ఈరోజు ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రతినిధులతో వారి అధ్యక్షులతో కూడా మాట్లాడి ఈరోజు ఈ నగరానికి సంబంధించిన మూసీ నది నల్గొండ జిల్లా వరకు కూడా ఆ ప్రాంత రైతులకు కానీ ఇక్కడున్న నీటి వనరులను పెంచడానికి కానీ ఉపయోగపడే కార్యక్రమం జరుగుతుంది। ఇది కూడా ఒక ఆర్థిక ఇంజన్గా మనం రాబోయే కాలంలో ఈ సిటీలో దాదాపు 65 కిలోమీటర్ పూర్తి స్థాయిలో ప్రవహించే ఈ నదికి సంబంధించి రీజనరేట్ చేయాలనే ఒక ఆలోచన వారి ముందు పెట్టడం జరిగింది। వారు కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ప్రతినిధులు కూడా ఒక మంచి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు, దీనికి సంబంధించి కూడా మేము మా వంతు సహకారం అందించే ప్రయత్నంలో ముందుంటామని కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది। మరి మేము మా రిపోర్ట్స్ తయారు చేయటం కానీ ఈరోజు బ్యాంకుల వరల్డ్ బ్యాంక్ సంబంధించి కానీ ఇతర ప్రతినిధులతో మూసీ నదిని ఏ విధంగా రీజనరేట్ చేయబోతా ఉన్నామో చెప్పి వారి సహకారం కూడా తప్పకుండా తీసుకోవడం జరుగుతుంది। کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور اس کے بعد اس کو قتل کیے جانے کے خلاف چارشنبے کے روز تلنگانہ بھر کے ڈاکٹرز نے ڈیوٹی سے بائیک آؤٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس سلسلے میں گاندھی ہاسپٹل میں بڑے پیمانے پر ڈاکٹرز نے دھرنا دیتے ہوئے اس واقعے کی سی بی آئی تحقیقات کروانے اور خاتون ڈاکٹرز کے علاوہ دیگر ڈاکٹرز کا تحفظ کرنے کے لیے نعرے بازی کی۔
रियासती वजीर सीताक्का ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर एहतजाजी डॉक्टर से मुलाकात की और बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी तमाम सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स के तहफ़ के लिए सख्त इंतजाम कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी सियासी ज़िंदगी में कांग्रेस आला कमान ने दो मरतबा वज़ीर आला बनाने की बात कही थी, लेकिन इसे मैंने कबूल महज इसलिए नहीं किया कि मेरा सियासी मकसद पार्टी को मुस्तहम करने के साथ साथ राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है। उन्होंने AICC इजलास में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जानिब से ज़ात पात की मर्दमशुमारी की बात करने का खैर मकदम करते हुए बताया कि इससे मुल्क भर में समाजी इंसाफ होगा। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत के 8 माह को हर शोबे जात में नाकाम करार दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सिर्फ BRS कायदीन पर तनखीद करने में अपना वक्त ज़ाया किया है। उन्होंने रेजिडेंशल स्कूल्स में नाकिस खाने की सरबराही और तलबा की तिबी मुआयना ना करने की भी बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से आए दिन तलबा की मौत और तलबा की सेहत मुतासिर हो रही है। इस बात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल्स बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं। मलन सागर गावच, रंगनायक सागर गावच, कोंडपोचम गावच, नील एनक दिसकपई, सिंगूर गावच, निजाम सागर गावच, SRSP गावच, మిడ్ మానేర్ లోయర్ మానేర్ కావచ్చు, అన్ని నింపాలి. దాంతోపాటు మొత్తం చెరువులు ఇవ్వాల. हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की मुंतकली और फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले के तहत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 256 ग्राम ड्रग्स और दीगर अशिया जुमला मालियती 1,10,00,000 रुपए बरामद किए गए। DCP टास्क फोर्स नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। के बारे में बोले तो हमारा HNU टीम जो है इंफॉर्मेशन वर्कआउट करके आज एक नाइजीरियन, उसका नाम है ओफोजोर संडे जीके अलियास फ्रैंक, बेंगलुरु के रहने वाला है, और अनास खान, इसको फॉलो करते हुए हम ये केस को पकड़े। अनास खान जो पेडलर है, जो इससे ओफोजोर से वो ड्रग्स मांगते हैं और आके यहाँ हैदराबाद में बेचते हैं, और उसका अनास खान का नदर एसोसिएट सैफ खान, ये तीनों को हमारा टीम पकड़े और 1,10,00,000 वर्थ ड्रग्स एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग द व्हीकल सीज किए। और ये इसमें 4-5 किस्म की जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत कॉस्टली वो ड्रग्स को सीज किए, कोकेन, MDMA, एक्सटेसी पिल्स, LSD ब्लॉट्स, चरस एंड MEOW। तो ये अच्छा काम के लिए हमारा टीम को हम 3,00,000 रिवार्ड डिक्लेयर किए और DCP साहब उसको बांट लेगा बाद में। थैंक यू सो मच। अभी करना है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, विल सप्लाई उसका यूजर्स कौन है अभी उसको निकालना पड़ता है, उसको कौन कौन यूजर्स नहीं। हमारा डेकाई पार्टी के ऊपर हमला हुआ तो फायरिंग भी हुआ था, उसके बाद जो है थोड़ा कम हो गया फिर से। नहीं, ये हॉटस्पॉट्स तो है, करेक्ट, आप जो आप हमेशा नज़र रखते हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है नाइट्रोविट टैबलेट्स, बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। तो हम रिक्वेस्ट करके रिसेंटली उन लोग वो शॉप्स के ऊपर भी रेड किए और उसमें दे कुड गेट द एविडेंस दैट दे हैव बीन सेलिंग इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो उसका बंद का ऑर्डर्स भी, ताला भी लगा रहे ऐसे मेडिकल शॉप्स को, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल आएगा।
جشن آزادی کے سلسلے میں سی آر پی ایف کی جانب سے تاریخی چار مینار تا چندران گٹا ترنگا بائک ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں سی آر پی ایف افسران اور اہلکاروں نے بائک پر ترنگا لہراتے ہوئے حصہ لیا۔ اس بائک ریلی کا مقصد عوام میں جذبہ حب الوطنی کو فروغ دینا تھا۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کے سلسلے میں ترنگا ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ منگل کو سی آر پی ایف کی طرف سے چندران گٹا کیمپس سے چار مینار تک ریلی نکالی گئی۔ سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی وجے بھاسکر نے اس ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ مختلف رینک کے عہدیدار اس ریلی میں شریک ہوئے۔ اس ریلی میں سماج کے مختلف طبقات بھی شریک ہوئے، جن میں صفائی ملازمین کے ساتھ ساتھ ڈرائیورز اور طلبا بھی موجود تھے۔ پولیس اور سی آر پی ایف کا بینڈ بھی اس ریلی میں شریک ہوا۔ حب الوطنی کے گیت بھی گائے گئے۔ بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی، حلقہ ملک پیٹ میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں عوام کی سہولتوں کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی کی جستجو سے حلقے کے سینئر سٹیزنز میں آسرا سینئر سٹیزن پری ویلیج کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ قدیم ملک پیٹ ڈویژن میں سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں سینئر سٹیزنز میں پری ویلیج کارڈز تقسیم کیے گئے۔ نمائندہ رکن بلدیہ سیف الدین شفیع نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر یہ کارڈز منظور ہوئے ہیں، اور ان کارڈ سے ریلویز، آر ٹی سی، فضائی سفر کے لیے مراعات حاصل ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بھی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں وہ کارپوریٹر کے دفتر سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قدیم ملک پیٹ میں سینئر سٹیزن پریویلیج کارڈ آج یہاں پر ڈسٹریبیوشن سالار ملت قدیم ملک پیٹ میں عمل میں آیا ہے۔ یہ سینئر سٹیزن کارڈ کے بینیفٹس آپ کو ریلوے میں اور آپ کو جو ہے سو آر ٹی سی میں اور ایئر ٹکٹنگ میں اور کئی اسکیموں میں یہ کارڈ کے بینیفٹ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سینئر سٹیزن کارڈ کی اپلیکیشن قدیم ملک پیٹ کارپوریٹر اے آئی ایم آئی ایم کی آفس پہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیں گے تو ہم انشاءاللہ آنے والے دن میں آپ کو جلد سے جلد یہ کارڈ جو ہے سو آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ یہ کارڈ جو ہے سو یہاں قدیم ملک پیٹ سالار ملت کمیٹی ہال میں جناب بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب کی صدارت میں جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کی خاص نمائندگی پر یہ کارڈ آج ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے۔ اس موقع پر صدر و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین سارے موجود تھے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ رکن اسمبلی چار مینار میئر ذوالفقار علی نے حلقے میں سڑک کی توسیع کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذوالفقار علی نے بتایا کہ بارہ گلی سے لے کر دودھ بولی اور فتح دروازے تک سڑک کی توسیع کے کام کا زونل کمشنر کے ہمراہ معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سڑکوں پر سے کھمبے ہٹانے کا کام ابھی باقی ہے، اور سڑک کی توسیع کے لیے جو اراضی حاصل کی گئی ہے وہاں سڑک اب بھی ڈالنا باقی ہے۔ ابھی بھی بعض جائیدادوں کا انہدام باقی ہے اور اس کام کو بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ مقامی عوام سے بھی میر ذوالفقار علی نے ملاقات کی۔ عوام نے رکن اسمبلی کو اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ برخی کے عہدیداروں کو فوری طور پر عوامی مسائل کی یکسوئی پر زور دیا گیا۔
हैदराबाद के नागुल में मेट्रो स्टेशन की पार्किंग फीस की वसूली के अहकाम को लेकर मुसाफिरों की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है। मुसाफिरों का कहना था कि आखिर क्यों पार्किंग के लिए फीस वसूल की जा रही है। चारशंबे की सुबह जब मेट्रो स्टेशन पार्किंग के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पार्किंग के लिए फीस वसूल की जा रही है। मुतालिका हुकाम के साथ बहस व तकरार भी देखी गई। लोगों का कहना था कि इस सिलसिले में किसी भी तरह की कोई नोटिस भी जारी नहीं की गई। दो घंटों की बाइक पार्किंग के लिए 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और 12 घंटों के लिए 120 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इससे कई मेट्रो मुसाफरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुसाफरीन ने फौरी इस अहकाम को वापस लेने का मुतालबा किया। లాస్ట్ ఎయిర్కి 1 అవర్ జర్నీ ఆ నుంచి ర్యాపిడో పెట్టుకుని పోతే 1.5 అవర్ పోతుంది మా ట్రావెలింగ్కి 3 అవర్స్ పోతుంది 9 అవర్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే మళ్ళీ बीआरएस पार्टी और कांग्रेस के दरमियान आपपाशी के डिजाइन और अखराजात को लेकर एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। बीआरएस के रुकन काउंसिल टी मधु ने चारशंबे को फिर कांग्रेस की तरफ से साबिका केसीआर हुकूमत पर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन की तब्दीली को लेकर लगाए जा रहे इल्जामात की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस रुकन काउंसिल ने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि केसीआर ने कमीशन के लिए डिजाइन चेंज किए हैं। राजीव सागर जो वेलुरु पाडू आंध्र प्रदेश में था उसका डिजाइन कांग्रेस ने बनवाया था, अब वेलुरु पाडू आंध्र में है। तेलंगाना की हुकूमत वहां जाकर प्रोजेक्ट नहीं बना सकती। बीआरएस के रुकन काउंसिल का कहना था कि जब इब्तिदा में आपाशी प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया गया था उस वक्त अराजी की कीमत स्टील और सीमेंट की कीमत क्या थी और आज अराजी स्टील और सीमेंट की कीमत बढ़ चुकी है। अराजी हसूल के लिए जायद कीमत देनी पड़ रही है। कांग्रेस को बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी इंतखाब के लिए कोदंडा राम रेड्डी की लाइन क्लियर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से कोदंडा राम की गवर्नर कोटे के तहत नामजदगी को कलदम किए जाने के अहकाम पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया है। रियासत मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में एक जूनियर खातून डॉक्टर्स की इस्मत दरी और कत्ल के बाद तमाम मुल्क में इस वाक़े की मजम्मत में एहतजाज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में भी जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से खिदमात का बायकॉट करते हुए एहतजाज किया गया।
مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں ایک خاتون جونیئر ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور موت کے خلاف احتجاج کے طور پر چار شنبے کو عثمانیہ میڈیکل کالج کی جونیئر ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی۔ تلنگانہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بھی اس ہڑتال کی تائید کر رہا ہے۔ ہنگامی خدمات کے علاوہ تمام خدمات معطل کر دی گئیں۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے متوفی ڈاکٹر کی حمایت میں ہڑتال کی کال دی۔ ڈاکٹر تشدد اور طبی ماہرین پر حملوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ وہ حکومت سے بہتر حفاظتی اقدامات اور تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے اسپتال میں مریضوں کی خدمات متاثر ہوئی اور کئی مریض واپس چلے گئے۔ اسپتال انتظامیہ ڈاکٹروں کو ہڑتال ختم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن تاحال ڈاکٹر اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر چندریکا تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسیشن کی ترجمان اور ڈاکٹر ببیتا عثمانیہ پی جی اسٹوڈنٹ نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیل بھی بتائی۔ Dr. Chandrika Reddy, spokesperson of Telangana Junior Doctors Association. We are here gathered today for this for protesting regarding the incident that happened in Kolkata, the postgraduate, second year postgraduate who has been brutally raped and murdered before five days. We all the Junior Doctors Association have decided to go on a protest, because this is not only an incident that happened there, it can also happen in any state to any other doctor also. We request all the higher officials to get a Central Protection Act as soon as possible. Not only that, to get into the depth of the investigation through CBI probe and to conduct a fast track investigation requesting the CBI probe, because the incident maybe the victims whoever has done the murder can escape if we are doing more late. So I request all the CBI investigation officers to get into the investigation into a fast track mode and to give proper justice to the medico who has been raped and murdered. Thank you. So I am Dr. Bebita from psychiatry post graduation doing in Usmania Medical College. So we are currently in day one of our strike. So we currently stopped electives and our OPDs. So we may stop our emergency services also. We are not going to do service for public until we get our justice, and the accused should be punished as soon as possible. And we need Central Protection Act to be implemented as soon as possible, and immediate action to be taken from the government. So we are not stopping our strike. نارسنگی پولیس نے 47 سالہ شخص کے قتل کے سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس کے مطابق 47 سالہ راجو، جو پیشے سے حجام تھا، اس کا گلا گھٹ کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاندانی مقاسمت اس قتل کی وجہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ پراوین کمار پر اس سلسلے میں شبہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ نارسنگی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرنے کے بعد تحقیقات شروع کی۔ ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో నార్సింగి విలేజ్ కుమారిబస్తీలో ఉన్నటువంటి రాజు అనే చెప్పి బార్బర్ పనిచేస్తాడు ఆయన, ఏజ్ 47 ఇయర్స్ అబౌట్. ఆయన మర్డర్ జరిగిందని చెప్పేసి మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా మా నైట్ డ్యూటీ ఆఫీసరు వెరిఫై చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో వివరాల్లోకి వెళ్తే రాజు అని చెప్పేసి 47 ఇయర్స్ ఏజీన బార్బర్ షాప్ నడిపించుకుంటాడు అక్కడే నార్సింగి విలేజ్ ప్రాపర్ వాళ్ళది.
వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళ బంధువులకి, వాళ్ళ బంధువు అయినటువంటి ప్రవీణ్ కుమార్ అని చెప్పే అతనికి కొన్ని రోజుల నుంచి పడట్లేదు, ఇద్దరి మధ్యలో చిన్న చిన్న గొడవలు నడుస్తున్నాయని చెప్పేసి తెలిసింది. నైట్ అబౌట్ 1-2 మధ్యలో, 1-2 మధ్యలో ఈ ప్రవీణ్ రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజుని గొంతు కోసి చంపడం జరిగింది. వీళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రవీణ్ కుమారు లేదా అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేసి ఉంటారని చెప్పేసి అనుమానం పడుతున్నారు. దాంట్లో మేము రాజు వాళ్ళ వైఫ్తో కంప్లైంట్ ఇస్తే తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ఒకటి మర్డర్ కేసు కట్టినాము. అదే బార్బర్ షాప్ లో ఉన్నటువంటి గడ్డం చేసే ఖర్చుతోన బ్లేడ్ పెట్టి అది గొంతు కోయడం జరిగింది. దీంట్లో కేసు కట్టినాము, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళంతా చంపిన గంజాయి సేవించినట్టుగా ఇంకా అక్కడ కూడా కొందరు, అది తెలియదండి, అది దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది. ఏంటి అనేది దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది. IGCSE निसाब के तहत चलाए जाने वाले इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल के नतायज 100% रहे हैं. इन नतायज पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रशादुद्दीन ने असातेजा और तलबा की जानिब से की गई मेहनत की सिताइश की है. तलबा और औलिया तलबा ने भी स्कूल इंतजामिया से सिलसिले में इजहार तशक्कुर किया है. इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से चलाए जाने वाले ब्रांचेस के बेहतरीन नतायज बरामद होने पर औलिया तलबा और सरपरस्तों ने मैनेजमेंट से इजहार तशक्कुर किया. मैनेजिंग डायरेक्टर इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल मोहम्मद रशादुद्दीन ने मीडिया को बताया कि शेखपेट और मेहदीपट्टनम में चलाई जाने वाली ब्रांचेस के 100% नतायज आए हैं, जो असातेजा और तलबा की मेहनत और जस्तजू को जाहिर करते हैं. प्रिंसिपल रूही तबस्सुम और तलबा के अलावा उनके वालदेन ने भी मीडिया से इस सिलसिले में बात की. Myself Ms. Ruhi Tabassum, principal of Insight International School, Sheikhpet. I'm here to share our commendable results by our grade 10 IGCSE students, the first phase results. They have done really well and we are proud of them. I would not be like missing out with this opportunity of thanking our team members, the teachers who have mentored them, and with their relentless efforts, and they have actually motivated and mentored the students wherein they have come up with these flying colors. We are proud of our students' results and hoping for better and better in future, inshallah. Jazakallah khair. Regarding Insight International School, my daughter is studying in class 10 and I appreciate the school and the staff here who have encouraged my daughter to improve in her studies. And I thank all the faculty and the administration of the school to get a good result for my daughter. And overall she has been improved in her studies as well. And I appreciate the environment of the school. And I thank each and every one. On behalf of my daughter and as parents, we thank the school management. IGCSE Cambridge के results declare हुए और अल्हम्दुलिल्लाह Insight के दोनों branches शेखपेट और मेहदीपट्टनम से 54 students ने exam लिखा था और पूरे students ने पूरे subjects के अंदर कामयाबी हासिल की. इनमें 20 students ऐसे रहे जिन्होंने A star हासिल किया. A star rank का मतलब ये है कि ये international rank है जो 90% के ऊपर लाने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है. और तकरीबन 19 स्टूडेंट्स ने ए रैंक हासिल किया. ए रैंक का मतलब 80-90% के दरमियान का रैंक है. इस तरीके से बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनसाइट के आए हैं. ये मेजोन सीरीज़ फर्स्ट फेस में स्टूडेंट्स आधे पेपर्स लिखते हैं और फिर उसके बाद फरवरी मार्च सीरीज़ में रिमेनिंग आधे पेपर्स ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह लिखेंगे. इनसाइट ने शुरू ही से इस बात की कोशिश की है कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और 2012 में इसकी मेन ब्रांच शेखपेट के ख़याम के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल यहाँ के स्टूडेंट्स ने ज़िंदगी के कई शोबों में बहुत अच्छी सलाहियतों का मुजाहरा किया है और अब इसका ये 8वां बैच है. कई स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग होने के बाद अपनी इंजीनियरिंग, मेडिसिन और दीगर प्रोफेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. मैं इस मौके पर सारे टीचर्स को भी
पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि स्टूडेंट्स की मेहनत और फिर पेरेंट्स और टीचर्स की सपोर्ट के नतीजे में ये अच्छे रिजल्ट्स हासिल हुए। My name is Ramaza Midhat and I'm studying in grade 10 A, first phase, Insight International School, Shaikhpur. Today is the day I've received the results from my Cambridge IGCSE board exams. And alhamdulillah, I have secured the first position. For this feat, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, for bestowing this honor upon me. This is an achievement which I could not have gotten without his help. Next, I would like to thank my parents for their relentless support and for being understanding throughout my journey. Last but not least, I thank the Insight family. Like many other students, I was also scared because it's my first time appearing for boards. But alhamdulillah, they've helped me so much that I've gained the confidence to write my exams and have secured good results. I am Mohammed Aman, studying in grade 10B of Insight International School. And today, we have received the results of our 9th boards. And alhamdulillah, by the grace of God, I have secured the second position in my school. First of all, I'm immensely thankful to my God for how He has blessed me. Second, I would like to thank my parents, especially my mother, who has always supported me to be competitive in all the fields I have achieved. She has always told me to be competitive. She has helped me whenever I needed her help. Third, I would like to thank the school staff and all my teachers. My teachers were my English teacher, my Islamic teacher. They were always present there for me to always clarify my doubts or to help me in past papers. They were always there for me. So I would like to thank all of these people because I am here because of them. Thank you. Today, the results have been declared for the 9th class IGCSE and I'm glad that my child has done good. And I really appreciate the effort of our school, the environment, the faculty, everything which has helped my child to pass in a very good grade. And I really be thankful for the school, for the support, the environment they have given. And I'm proud that my child will be soon passing out of the school and carrying this for her entire life. Thank you. इकबाल अकेडमी जिद्दा के ज़ेर एहतमाम एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया जिससे माहरीन इकबालियात ने खिताब किया। इकबाल अकेडमी जिद्दा शाख बैरून हिंद इकबाल अकेडमी हैदराबाद इंडिया के ज़ेर एहतमाम जलसा असर हाजिर में कलाम इकबाल की अहमियत और ज़रूरत होटल शादाब वाक़ जिद्दा में मुनक़िद किया गया। माहिर इकबालियात मुजाहिद सैयद ने कलीदी खुतबा दिया। मोहम्मद फहीमुद्दीन नायब सर इकबाल अकेडमी जिद्दा ने इकबाल अकेडमी के अगराद व मकासद पर रोशनी डाली। मोहम्मद अब्दुल मुजीब सिद्दीकी ने खुतबे इस्तेगबालिया पेश किया। तौसिफ खान ने कलिमात तशक्कुर अदा किए। जैसे का आगाज़ खारिज जवाद रशीद की खिरात कलाम पाक से हुआ और कलाम इकबाल मोहम्मद नवाज जंगजुआ ने पेश किया। इंतजाम की निगरानी शमीम कौसर मुतुजा शरीफ और अब्दुल खदीर कुरैशी ने की। इस मौके पर आसिम ज़ीशान अब्दुल गनी दहलवी सैयद मौज़म मोहम्मद मोइज़ुद्दीन के अलावा मिर्ज़ा इकबाल बेग और दीगर भी मौजूद थे। जलसे में कसीर तादाद में मुहिब्बान इकबाल ने शिरकत की। आखिर में देखें हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी बैरूनी दौरे से हैदराबाद वापस। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने एयरपोर्ट पर किया शानदार खैर मकदम। अमरीका और जनूबी कोरिया का बैरूनी दौरा कामयाब। करोड़ों रुपये बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाया गया। वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने किया दावा। कोलकाता में खातून जूनियर डॉक्टर की इस्मत रेजी कत्ल के खिलाफ तेलंगाना में भी एहतजाज जारी। उस्मानी और गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीजों को तकालीफ का सामना। चारमीनार था चंद्रायन गुट्टा सीआरपीएफ की तिरंगा बाइक रैली। हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना मकसद। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ। बालापुर पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट मर्डर केस की यकसोई कर ली। कत्ल में मुलविस मुलजमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.